तो दोस्तों, आज दूसरा दिन है दिल्ली के जंतर मंतर पे अनशन का हमारे, कि हमारे साथ हमारी पत्नी जी हैं और साथ में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हमारे सुभाष चंद्र गुप्ता जी हैं, और जो अनशन कर रहा हूँ, जहाँ तक आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए हमारी इन बातों को, हमारे इस वीडियो को शेयर करके हर उस जनता तक पहुँचाएँ जो जनता डरी हुई है, किसी भी लड़ाई को लेकर लड़ना नहीं चाहती। तो हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि आपके अंदर जो डर है, एक दिन वह डर निकाल के रहूँगा। इन पुलिस वालों की गुंडागर्दी के खिलाफ जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, वह लड़ाई आपकी भी है, यह समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम उससे डर रहे हैं जो हमारी ही सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, और उनका जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो भी कहीं और से नहीं, हम सबके जेब से ही निकल के जाता है। तो हम एक उम्मीद बनाकर यह अनशन कर रहे हैं कि आप लोग हमें देंगे, दिल के कोने में वह विश्वास पड़ा हुआ है, उसी विश्वास को लेकर हम चल रहे हैं कि आप लोग एक दिन हमारा वो साथ देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ, कोई एक इंसान है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, इस दर्द को समझिए। हाँ, एक एहसान और कीजिएगा कि अन्न जल छोड़कर बैठ रहा हूँ, दर्द हमें भी होता है, हमें भी भूख लगती है, हमें भी जीने की इच्छा है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। क्योंकि हम एक आज़ाद भारत में जी रहे हैं, फिर यह गुलामी क्यों, ये समझना ज़रूरी है। हम नहीं जी पाएंगे ऐसी ज़िंदगी, इसीलिए तो यह लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम आपके काम के आदमी हैं, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, और साथ ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारे PNS आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। क्योंकि हम आपके बगैर ताकतवर नहीं हैं, बहुत कमज़ोर है। हाँ, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, इसका अंदाज़ा सरकार भी नहीं लगा सकती। समय है दोस्तों, हमसे जुड़िए और हमें मजबूत बनाइए। आपका अपना पेंटर नवरंग सिंह, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर ज़िले में अहिरौली थाने में जगदीशपुर ग्राम सभा से, हमारे दर्द को समझिए। और साथ ही एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारी मृत्यु हो गई तो मरने का गम नहीं है हमें। हाँ, गम तब होगा अगर हम मर गए और हमारी बात अदा मिला, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। बस इतनी सी बात, आगे जो भी सूचना होगी हमारे साथ वह आप लोगों को देते रहेंगे हर दिन का। कोशिश कीजिए कि हमें भी जल्दी न्याय मिल जाए, और न्याय तभी मिलेगा जब आप लोग हमारी बात को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।